अरुणाचल पर आंख उठाई तो नहीं होगी खैर। सुधर जाओ ड्रैगन, नहीं तो कर देंगे ढेर। तुम्हारी माद में घुस कर करेंगे वार, मिटा देंगे वजूद, खत्म हो जाएगी तकरार। दोस्तों, एक बार फिर ड्रैगन ने अरुणाचल पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाई है, भारत को फिर ललकार लगाई है। ड्रैगन को सबक सिखाएंगे हम, उसके वजूद को मिटाएंगे हम। दोस्तों, अरुणाचल को अपना हिस्सा बताकर चीन ने बता दिया कि वो सुधरने वाला नहीं है। कुत्ते के दुम जो ठहरा, कितना भी सीधा करो टेढ़ा ही रहेगा। लेकिन वो शायद ये भूल जाता है कि सामने जो देश है वो पाक या अफगानिस्तान नहीं, भारत है। जो बब्बर शेर है, जो जंगल का राजा है, जिसकी दहाड़ से दुनिया कांपती है, तो फिर तेरी भी साथ क्या है। हमारे आगे तो तू मेमना है, जो ठीक से मिमिया भी नहीं सकता, जिसे हम जब चाहेंगे मसल देंगे, तेरी चूले हिला देंगे, तेरी ऐसे फाड़ेंगे कि तुम्हारी सात पुश्ते भी भूल नहीं पाएंगी। अपनी इस गलती के लिए तुम्हें अफसोस होगा, लेकिन उस समय तुम्हारा नाम लेवा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि हमसे जो टकराएगा अपना वजूद मिटाएगा, अपने बाप भारत को भूल नहीं पाएगा और केवल मोदी मोदी चिल्लाएगा। जी हाँ दोस्तों, चालबाज चीन की नापाक सोच एक बार फिर उजागर हो गई है। उसने बता दिया है कि अरुणाचल का ख्वाब अभी भी उसके जहन में जिंदा है। विस्तारवाद की उसकी भूख अभी खत्म नहीं हुई है, भारत पर अभी भी उसकी कुदृष्टि है। लेकिन ड्रैगन, इस बार तूने बड़ी भूल कर दी है, जिसका खामियाजा तुझे भुगतना ही होगा। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताऊंगा, चीन की नापाक साजिश के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि चीन ने एक कायराना हरकत को अंजाम दिया है, हरकत भी ऐसी जो चोर करते हैं। ड्रैगन ने भारत के एक बेटे को अगवा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश से सांसद तापिर गाओ ने बताया कि चीनी सैनिकों ने सियांग जिले से 17 साल के एक किशोर का अपहरण कर लिया है, जिसकी पहचान मेराम तरोन के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि चीनी सेना ने सी युंगला क्षेत्र के लुंगता जोर इलाके से किशोर का अपहरण किया और भारतीय सुरक्षा बलों को चकमा देते हुए चोरी से बचकर भाग निकला। तरोन के मित्र जॉनी यांग ने स्थानीय अधिकारियों को चीन के इस नापाक हरकत के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद भारतीय सेना की ओर से हॉटलाइन पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी से किशोर के तलाश करने और उसे प्रोटोकॉल के मुताबिक भारत वापस भेजने की मांग की गई है। लेकिन चीन की ढिठाई देखिए, उसने ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, जंगनान इलाके को भी अपना बता दिया। दोस्तों, बता दूं कि ड्रैगन इससे पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। सितंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले से उसने 5 युवकों का अपहरण कर लिया था, जिन्हें एक हफ्ते बाद छोड़ा गया था। चीन की इस हरकत के पीछे उसकी नापाक सोच साफ दिखती है। आखिर वो सोच क्या है, ये बताता हूँ आपको। चीन की नापाक साजिश, अरुणाचल में 15 जगहों के बदले नाम। दोस्तों, 30 दिसंबर 2021 को चीन ने अपनी नापाक मंशा जाहिर करते हुए अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदल दिए थे और चीनी शब्दों में इन जगहों का नाम रख दिया था। चीन ने इन नामों की सूची अपने नए लैंड बॉर्डर कानून के तहत जारी की थी। ये नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभाव में आ गया है। ड्रैगन ने कहा है कि इन नामों को चीन अब अपने आधिकारिक दस्तावेजों और नक्शों में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत मानता है। अरुणाचल क्षेत्र के इलाके के नाम बदलने को चीन ने अपना अधिकार बताया था। भारत ने चीन के इस कदम की निंदा की थी और कहा था कि नाम ईजाद करके रख देने से जमीन पर तथ्य नहीं बदलेंगे और अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी हमेशा रहेगा। दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि ड्रैगन ने यह हिमाकत पहली बार नहीं की है। इससे पहले 2017 में उसने अरुणाचल में 6 जगहों का नाम अपने हिसाब से रख दिया था। चीन के इस हरकत पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि यह पहली दफा नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलने की कोशिश की है। चीन ने अप्रैल 2017 में भी ऐसा ही किया था। उस समय इस कदम को दलाई लामा के राज्य के दौरे पर चीन के एक विरोध प्रतिक्रिया के तौर पर देखा गया था। दोस्तों, चीन की इस हरकत से साफ है कि वो एक बार फिर भारतीय क्षेत्र पर एक तरफा दावे को रेखांकित करने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को चीनी नाम देना उसके इसी नापाक साजिश का एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने चीन के नए कानून का जिक्र किया था, जिसके तहत वो अरुणाचल पर अपना दावा ठोक रहा है, तो चलिए ड्रैगन को उस कानून की भी आपको जानकारी दे देता हूँ। क्या है चीन का नया कानून? भारतीय इलाके में चीन कर रहा निर्माण। दोस्तों, भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध के बीच मार्च 2021 में चीन ने नए सीमा कानून बनाया था, जो 1 जनवरी 2022 से प्रभाव में आ गया है। इस कानून में आम नागरिक और सैन्य प्राधिकरण को राष्ट्रीय संप्रभुता की सुरक्षा के लिए कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस कानून में 7 अध्यायों में 62 अनुच्छेद हैं, जिनमें सीमा रेखांकन से लेकर सीमा प्रबंधन, प्रवासन,
सीमा सुरक्षा और व्यापार शामिल है। नए नाम को जारी करना नए कानून के सातवें अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकार के सभी स्तरों पर सीमा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। ड्रैगन के इस नए कानून को लेकर भारत ने चिंता जताई थी और कहा था कि चीन के इस एकतरफा फैसले का सीमा प्रबंधन और द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है, जो हमारे लिए ये चिंता का विषय है। दोस्तों, साफ है कि चीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने का भूखा है। अगर भारत ने तिब्बत के समय थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो चीन के इस विस्तारवाद पर लगाम लगाई जा सकती थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तिब्बत को लेकर जो गलती हमने की थी वो ताइवान के साथ हमें नहीं दोहरानी चाहिए। तिब्बत वाली गलती फिर ना करे भारत। ताइवान की मदद कर चीन के मंसूबों को करे फेल। दोस्तों, हांगकांग पर जबरन कब्जा करने, साउथ चाइना सी के भू राजनीतिक नक्शे को फिर से बनाने और भारत और भूटान सीमा पर अतिक्रमण करने के बाद अब विस्तारवादी ड्रैगन की निगाहें ताइवान की तरफ हैं। चीन का दावा है कि ताइवान हमेशा से ही उसका हिस्सा रहा है, जबकि इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। ताइवान के इतिहास भी इसकी गवाही देते हैं। अगर ताइवान के इतिहास पर नजर डालें तो ये मलायो पोलिनेशियन जनजाति का घर था और इसके चीन के साथ कोई संबंध नहीं थे। ऐसे में चीन के विस्तार को रोकने के लिए ताइवान को भारत से मदद की दरकार है और भारत को भी इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर भारत ताइवान की मदद नहीं करेगा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चीन के उस साजिश से अवगत कराऊंगा जिसके तहत वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है, तो चलिए ड्रैगन की उस नापाक साजिश का खुलासा करते हैं। क्या रही है चीन की बदनीयति? मैकमोहन लाइन को नहीं देता मान्यता। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अरुणाचल को लेकर चीन के साजिश के बारे में आपको बताऊंगा, तो मैं ड्रैगन की उस साजिश का खुलासा करूं। इससे पहले अरुणाचल और चीन के बीच सीमा विवाद पर आपकी तस्वीर साफ कर दूं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इस विभाजन रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इस मैकमोहन लाइन को चीन मानने से इनकार करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत बताता रहा है। 1959 में तिब्बत विद्रोह के बाद से चीन NEFA के अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके को हथियाने की कोशिश करता रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद की वजह यही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 1950 के दशक में चीन ने तिब्बत के बहाने 31,000 किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था और बाद में उस इलाके को शिनजियांग से कनेक्ट करते हुए अपनी हाईवे भी बना ली थी। दूसरी ओर लद्दाख के अक्साई चीन वाले हिस्से पर भी भारत और चीन के बीच विवाद हुआ है। दोस्तों, अरुणाचल को लेकर पूरा तथ्य क्या है, यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है। अरुणाचल को लेकर क्या है तथ्य, चीन के दावे में कितना है दम? दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। इतिहास भी इसकी गवाही देता है। विश्व मानचित्र में भी यही रेखांकित है। दरअसल दुनिया के मानचित्र पर जो अरुणाचल प्रदेश दिखता है उसके और तिब्बत के बीच कोई स्थायी विभाजन रेखा नहीं हुआ करती थी। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1914 में तिब्बत और भारत के बीच इलाके का विभाजन किया। तब तिब्बत ने खुद को आजाद देश मान लिया। हालांकि तवांग और आसपास के इलाके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ही रहे हैं। बाद में चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा जमाया तो उसी समय से वो तवांग को हथियाने की कोशिश में लगा रहा। 1962 में हुए युद्ध में चीन जीतने के बावजूद भी इन इलाकों से पीछे हट गया था, लेकिन समय समय पर उसकी बदनीयति दिखती रही। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि अरुणाचल प्रदेश आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा है। दोस्तों, यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि अपने दावे को मजबूती देने के इरादे से चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के दौरे के समय अपनी आपत्ति प्रकट करता रहता है। उसने अक्टूबर 2021 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दौरे पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि भारत ऐसा कोई काम न करे जिससे सीमा विवाद का विस्तार हो। इससे पहले चीन ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल जाने पर भी विरोध जताया था। 2020 में गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल जाने पर भी चीन ने आपत्ति जताई थी। हालांकि चीन की इस आपत्ति पर भारत ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नेताओं के दौरे पर आपत्ति का कोई तर्क नहीं है और ये भारत का हिस्सा है, लिहाजा चीन को इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो ये नहीं निश्चित करेगा कि हमारे राष्ट्राध्यक्षों को कहां जाना चाहिए और कहां नहीं। दोस्तों, ड्रैगन शायद ये भूल जाता है कि ये मोदी का भारत है जो घर में घुस कर मारता है, सर्जिकल ही नहीं एयर स्ट्राइक भी करता है। तो चचा जिनपिंग, अगर तुमने ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश भी की तो सोच लो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तुम्हारे लिए अच्छा है कि केवल तुम पाक को ही अपनी घुड़की दिखाओ, उसकी सीमा को अपना बताओ। अगर भारत के साथ ये गलती करने की कोशिश की तो फिर ऐसी गलती दोहराने के लायक ही नहीं रहोगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।